प्रिय छात्रों, व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे व्यवसाय वित्त चैप्टर के अंतर्गत कंपनी के जो अंश पूंजी और ऋण पत्रों के संबंध में। तो एक कंपनी को अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, कंपनी को पूंजी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से प्राप्त होती है, यहाँ पर अंश पत्र के माध्यम से और ऋण पत्र के माध्यम से। तो कंपनी वित्त की जो प्राप्ति के स्रोत है, नंबर एक अंश का निर्गमन और दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन। पूर्व में अंश पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया के बारे में हमने जाना था और अंश पत्र क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने जाना था। अंश जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। समता अंश वे अंश होते हैं जो कि सामान्य अंश हैं या जिनको पूर्व से किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यहां पर जो इनको है, लाभांश जो है अनिश्चित दर से प्राप्त होता है, साथ ही इनकी जो पूंजी होती है वो जोखिम पूर्ण होती है, अतः जोखिम पूर्ण होने के कारण ये कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। दूसरा प्रकार जो बताया था, पूर्वाधिकारी अंश। पूर्वाधिकारी अंश का भी विभिन्न प्रकार के हैं, संचयी असंचयी, शोधनी अशोधनी, भागयुक्त अभागयुक्त। तो पूर्वाधिकारी अंश पत्र वे अंश पत्र जिनको एक निश्चित दर से पूर्व से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो यहां पर जो थे समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश, इनके बारे में हमने देखा। अब यहां पर हम देखेंगे दूसरा जो कंपनी के वित्त प्राप्ति का जो स्रोत है वो है ऋण पत्रों का निर्गमन। अब ऋण पत्र से आशय क्या है? ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है, जिसके माध्यम से कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि उसने ऋण पत्र धारी से उसमें लिखी धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की है। अर्थात ऋण पत्र जो है, कंपनी जब जिससे ऋण प्राप्त करती है, उधार प्राप्त करती, राशि प्राप्त करती, तो उसको एक प्रमाण पत्र जारी करती है। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि कंपनी ने उससे निश्चित धनराशि जो है ऋण के रूप में प्राप्त की जाती है, और यह प्रमाण पत्र जो होता है यह प्रमाण पत्र कहलाता है ऋण पत्र। यह प्रमाण पत्र कहलाता है ऋण पत्र। तो ऋण पत्र जो है कंपनी और ऋण पत्र धारी के मध्य क्या एक अनुबंध है, जिसके अनुसार ऋण पत्र धारी को एक निश्चित समय के बाद उसमें वर्णित राशि ब्याज सहित वापस देने का वचन कंपनी यहां पर देती है। तो ऋण पत्र जो है, ऋण पत्र धारी से जो राशि ऋण के रूप में प्राप्त की जाती है उसके एवज में कंपनी के द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, वो प्रमाण पत्र जो है ऋण पत्र कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे ऋण पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर एक, कंपनी की सार्व मुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं। दूसरा, यह ऋण लेने की प्रमुख वित्तीय उपकरण माना जाता है। तीसरा जो है, ऋण पत्र पर ब्याज की दर पूर्व से निर्धारित होती है। चौथा, ऋण पत्र की मूल राशि की वापसी का समय ऋण पत्र में अंकित होता है। और पांचवा है, ऋण पत्र के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति होती है। फिर ऋण पत्रधारी जो है कंपनी के क्या है, लेनदार कहलाते हैं, स्वामी ये नहीं कहलाते, और ये सम मूल्य पर होते हैं और समापक पर इन्हें ऋण वापसी में प्राथमिकता प्राप्त होती है। तो ये जो विशेषता है इसकी, नंबर एक सार्व मुद्रा के अधीन, अर्थात कंपनी के जो है जो सार्व मुद्रा है उसके अधीन ऋण पत्रों को जारी किया जाता है। दूसरा जो है, ये एक प्रमुख उपकरण है जिसके माध्यम से कंपनी जो है ऋण पत्र प्राप्त है, ऋण प्राप्त करती है, और इसमें जो है ऋण पत्र की दर जो होती है वो पूर्व से निर्धारित होती होती है, जैसे 6% ऋण पत्र। इसका आशय यह है कि एक ऋण पत्र पर जो है 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, और तो वापसी का समय जो है ऋण पत्र में अंकित होता है कि कितने समय के बाद ऋण पत्र की वापसी होगी। और फिर ये दीर्घकालीन ऋण है और ये कंपनी के क्या है, लेनदार हैं, और जब समापन होता है तब समापन में जो है ऋण वापसी में इनको क्या होती है, प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं।
पूंजीपतियों से उसको पूंजी प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्र जो है इनके लिए कारगर होते हैं। जैसा कि अभी बताया स्वामित्व नहीं, अर्थात यहां पर जो पूंजी निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है, इसलिए इनका स्वामित्व कंपनी पर नहीं होता। तो जब स्वामित्व नहीं है तो कंपनी पर नियंत्रण भी इनका नहीं होता, साथ ही मत देने का अधिकार भी इनको नहीं। तो दूसरा लाभ या महत्व जो है वो एक ऋण पत्रधारी का कंपनी पर स्वामित्व नहीं होता है। फिर तीसरा जो इसकी विशेषता है, उपयोगिता है, लाभ है, महत्व है, वो है निश्चित आय। निश्चित दर से ब्याज यहाँ दिया जाता है तो कंपनी को ज्ञात हो जाता है कि उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करनी है। फिर अंशधारियों को लाभ, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाने पर ब्याज के भुगतान के पश्चात अंशधारियों को पर्याप्त लाभांश मिल जाता है। और ऋण वापसी की सुविधा, ऋण पत्र के माध्यम से जो है कंपनी के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाता है, जिससे ऋण पत्रों का भुगतान जो है शीघ्रता से कर दिया जाता है। फिर ऋण पत्रधारियों को सुरक्षा, ऋण पत्र जो होते हैं कंपनी की संपत्ति पर सहायक प्रभार के रूप में होते हैं, अतः घाटे या समापन की दशा में उनके द्वारा दिया गया ऋण जो है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। अर्थात जो भी कंपनी ऋण पत्र जब बाजार में जारी करती है तो उसके बिहाप में उतनी संपत्ति जो है सहायक प्रभार के रूप में सुरक्षित कंपनी में रखी जाती है, ताकि समापन के समय यदि घाटा लग गया तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति या सहायक प्रभार के माध्यम से जो है उसके ऋण पत्र की राशि को वापस कर दिया जाए। तो यहाँ पर ऋण पत्रधारियों को सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये जो है ऋण पत्रों की उपयोगिता, उसके लाभ है या उसके महत्व है। इसके बाद हम देखेंगे अंश एवं ऋण पत्र में अंतर कौन कौन से हैं। तो अंश पत्र जो है और ऋण पत्र, अंशधारी को जो है लाभांश पाने का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारी को केवल ब्याज मिलता है। फिर स्थिति या स्वामित्व, अंशधारी जो होते हैं कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी जो है कंपनी के लेनदार होते हैं। स्टॉप करो। यहां स्थिति या स्वामित्व की बात करते हैं, तो चूंकि अंशधारी जो है ये कंपनी में पूंजी लगाकर जोखिम को उठाते हैं, इसलिए ये कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। ऋण पत्र जो है निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं, इसलिए ये कंपनी के लेनदार कहलाते हैं। फिर प्रबंध में भाग, अंशधारी जो है कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्वामी होता है वही कंपनी के प्रबंध की व्यवस्था में भाग लेता है। फिर ऋण पत्रधारी चूंकि कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, इसलिए कोई भी अधिकार इस प्रकार का नहीं मिलता। फिर हानि होने पर, अंशधारी को व्यवसाय में हानि होने पर लाभांश नहीं मिलता है। समता अंशधारी को यदि व्यवसाय में किसी भी प्रकार की हानि हो रही है तो ऐसी स्थिति में इन्हें लाभांश नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें लाभांश की दर इनकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। फिर ऋण पत्रधारियों को ब्याज अवश्य प्राप्त होता है, कंपनी को चाहे लाभ हो या हानि, चाहे लाभ हो या हानि, दोनों स्थितियों में जो भी स्थिति होगी ब्याज उन्हें अवश्य ही दिया जाएगा। फिर इसके बाद पूंजी या ऋण, कंपनी को अंशों से प्राप्त राशि जो है वो पूंजी कहलाती है। अंश पत्र के माध्यम से जो कंपनी को राशि प्राप्त होती है वो पूंजी कहलाती है, जबकि कंपनी को ऋण पत्र से जो प्राप्त राशि होती है वो ऋण कहलाती है। फिर राशि की वापसी, पूंजी जो है कंपनी के समापन के अवसर पर ही वापस की जाती है। जब कंपनी का समापन या विघटन होता है तब उसी दशा में जो है अंश पूंजी की राशि वापस की जाती है, जबकि यह अनुबंध की शर्त के अनुसार निश्चित अवधि के बाद जो है इसको वापस किया जाता है, एक निश्चित समय के लिए ली जाती है। जैसे समय पूरा होता है तो ऋण पत्र की राशि जो है अनुबंध की शर्त के अनुसार वापस कर दी जाती है। फिर समापन पर वापसी, कंपनी के समापन पर इनकी पूंजी ऋण पत्रों का भुगतान होने के बाद लौटाई जाती है। इनकी वापसी धनराशि पूरी या आंशिक कुछ भी नहीं मिलती है। समापन के समय जो है जब सबका भुगतान हो जाएगा, ऋण पत्रधारियों का भी भुगतान हो जाएगा, पूर्वाधिकारी अंशधारियों का भी भुगतान हो जाएगा, तब समता अंशधारियों को इसका भुगतान किया जाता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों के भुगतान करने के पूर्व इन्हें भुगतान किया जाता है, लौटाया जाता है।
अंतिम है मताधिकार, अंशधारी को मतदान का अधिकार होता है, क्यों? क्योंकि ये स्वामित्व की गिनती में आते हैं। फिर ऋण पत्रधारी जो है ये कंपनी के क्या है, लेनदार कहलाते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार के मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो ये थे अंश और ऋण पत्र में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे ऋण पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर एक होता है सुरक्षित ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनके पीछे सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र होते हैं, जो संपत्ति या पूर्ण या अंशतः भार या बंधक मिला होता है, अर्थात जमानत या गारंटी, गारंटी या जमानत के रूप में संपत्ति बंधक रखी जाती है, वो सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र कहलाते हैं। अगर कंपनी अपने ऋण पत्र धारकों को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होती है तो ऋण पत्र धारक बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर यहां जो है अपने ऋण पत्र की राशि को वसूल कर सकते हैं। अर्थात सुरक्षित ऋण पत्र जो वे हैं ऋण पत्र जिनकी राशि के पीछे बंधक के रूप में कोई संपत्ति या भार प्रभार जो है वो गिरवी रखा गया है, ताकि भविष्य में यदि कंपनी ऋण पत्रधारियों की पूंजी को वापस ना कर पाए तो उस संपत्ति को बेचकर जो है वो ऋण पत्र की राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसका उल्टा है असुरक्षित ऋण पत्र। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर कंपनी मूलधन व ब्याज के भुगतान के लिए कोई भी संपत्ति या प्रतिभूति के रूप में गिरवी नहीं रखती है। अतः ये ऋण पत्र केवल इस बात के प्रमाण है कि कंपनी इन पर अंकित धन के लिए देनदार है। भुगतान होने की इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। समापन पर यह साधारण लेनदार के समान माने जाते हैं। इनकी जो है ब्याज की दर, यहां पर ब्याज दर अधिक होती है क्योंकि ये रिस्क पूर्ण होते हैं, और यहां ब्याज दर कम होती है, ब्याज दर कम होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है रिस्क ज्यादा होती है असुरक्षित में, और सुरक्षित ऋण पत्र में रिस्क ज्यादा होती है। फिर तीसरा जो है परिवर्तनीय ऋण पत्र। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के पश्चात हैं, जिन्हें हम अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते, सिर्फ एक निश्चित समय पश्चात इनका शोधन कर दिया जाता है, अर्थात इनका भुगतान कर दिया जाता है। जिस रूप में खरीदे गए हैं ये उसी रूप में इनको भुगतान वापस कर दिया जाता है। तो ये है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। इसके बाद है आपके बाहक ऋण पत्र। बाहक ऋण पत्र से तात्पर्य यहां पर कि मूलधन व ब्याज का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास ये ऋण पत्र होता है। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि जिस ऋण पत्रधारी ने कंपनी से ऋण पत्र खरीदे और भविष्य में उन ऋण पत्रों को किसी दूसरे को उसने बेच दिया, हस्तांतरित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के पास एट ए टाइम पर वो जो ऋण पत्र होंगे वही कंपनी से मूलधन और ब्याज वापस प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकारी होगा। तो यहाँ पर बाहक ऋण पत्र धारी के नाम जो है कंपनी के ऋण पत्र रजिस्टर में नहीं लिखे जाते, इनका हस्तांतरण जो है सुपुर्दगी मात्र से हो जाता, अर्थात जिसके पास ये ऋण पत्र होते हैं वही कंपनी से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। फिर है रजिस्टर्ड, अर्थात ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। तो जो ऋण पत्र धारी है जिन धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं, इन ऋण पत्र के धारकों के नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं, इनके मूलधन और ब्याज का भुगतान जो है रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति को ही किया जाता है। तो ये रजिस्टर्ड ऋण पत्र। फिर शोध ऋण पत्र, ये वे हैं जिनके मूलधन का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद या निश्चित तिथि के अभाव में कंपनी की इच्छा पर कभी भी कंपनी के जीवन काल में किया जा सकता है, ये कहलाते हैं अस्थाई ऋण पत्र भी कहलाते हैं। शोध अर्थात जिनको कंपनी की इच्छा पर कभी भी कंपनी के जीवन काल में इन ऋण पत्रों का मूलधन जो है निश्चित समय के पश्चात जो है यहां पर निश्चित तिथि के अभाव में भी कभी भी कंपनी की इच्छा अनुसार जो है वापस प्राप्त किया जा सकता है, वो अस्थायी ऋण पत्र या शोध। अंतिम में अशोध ऋण पत्र, ये वे हैं जिनके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं हो सकता,
केवल समापन के अवसर पर ही इनका भुगतान होता है, ये स्थायी ऋण पत्र भी कहलाते हैं। तो शोध और अशुद्ध, शोध से तात्पर्य यहां पर यह है कि ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात या कंपनी की इच्छा अनुसार कंपनी के जीवन काल में कभी भी उसको शोध नहीं कर सकते, उसका भुगतान कर सकते हैं, वे शोधनीय या शोध ऋण पत्र या अस्थायी ऋण पत्र कहलाते हैं। और वहीं अशुद्ध जो है, जिनका मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं हो सकता है, अर्थात इनका भुगतान जो है समापन के अवसर पर ही होता है, वो अशुद्ध या स्थायी ऋण पत्र कहलाते हैं। तो ये ऋण पत्रों के जो है विभिन्न प्रकार हैं। इसके बाद जो अन्य पूंजी के जो स्रोत हैं, लाभों का पुनर्निवेश या संचित लाभ। अब कंपनी जब अधिक लाभ कमाती है तो एक उसका एक निश्चित भाग जो है वो लाभांश के रूप में बांटने से रोक लिया जाता है, और इस प्रकार से संचित आय का उपयोग जो है जीवन कंपनी के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा संचित लाभ का उपयोग करना जो है लाभों का पुनर्निवेश कहलाता है, अर्थात लाभों का पुनर्निवेश या संचित लाभ, ऐसा लाभ जो कंपनी ने संचित करके रखा है कंपनी के विकास के लिए, विस्तार के लिए और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उस लाभांश का या उस संचित लाभ का उपयोग जो है पुनः कंपनी यहां पर उपयोग करती है, तो वो कहलाता है लाभों का पुनर्निवेश या संचित लाभ। फिर चौथा है जो सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप, ये जो है एक प्रकार का असुरक्षित जमा होती है। इसमें जो है कंपनी जनता से कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय हेतु आमंत्रित करती है, अर्थात कंपनी जो है जनता से वर्किंग कैपिटल की मांग के लिए पूरा करने के लिए, उन्हें पूंजी लगाने के लिए जो है उनसे पूंजी की डिमांड करती है। कंपनी जो है ये जमा 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए आमंत्रित कर सकती है। सार्वजनिक जमा प्राप्त करने के लिए कंपनी समाचार पत्रों में विज्ञापन के जमा प्राप्त करती है। इसमें कंपनी जो है जमा रसीद देती है। इसमें जमा पर दी जाने वाली ब्याज की दर जो है सामान्यतः बैंक की ब्याज की दर से क्या 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए प्राप्त की जाती है, और ये विज्ञापन के आधार पर प्राप्त होती है। और कंपनी को जब ये जमा पूंजी प्राप्त होती है तो उसकी एक रसीद देती है, और इस रसीद के आधार पर जो है जमा करने वाला, जन निक्षेप करने वाला व्यक्ति जो है वो निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करता है, और ये ब्याज दर होती है सामान्यतः बैंक की ब्याज की दर से क्या होती है ज्यादा होती है। तो यहाँ अंश पत्र ऋण पत्र के अलावा जो है एक कंपनी जो है संचित लाभ के माध्यम से पूंजी प्राप्त कर सकती है, वहीं सार्वजनिक जमा या जन निक्षेप के माध्यम से भी पूंजी प्राप्त कर सकती है। और कुछ स्रोत है उसके, जो वैश्विक निक्षेप या जमा रसीद, ये वैश्विक निक्षेप रसीद विदेशी जमाकर्ता बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसमें वैश्विक नियंत्रण के माध्यम से 2 या 2 से अधिक बाजार से एक साथ पूंजी जुटाता है। ये रसीद जो है विनिमय साध्य प्रमाण पत्र है, जो सामान्यतः कंपनी के विनिमत क्षमता अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके माध्यम से जो घरेलू बाजार की तुलना में सस्ता वित्त प्राप्त होता है, वह इनका अंश मूल्य जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है अधिक होता है। तो वैश्विक निक्षेप या जमा रसीद जो है ये एक प्रकार से विदेशी जमाकर्ता द्वारा बैंक द्वारा जारी की जाती है, जिसमें संपूर्ण विश्व से नियंत्रण के माध्यम से 2 या 2 से अधिक बाजारों के माध्यम से यहाँ पर पूंजी प्राप्त की जाती है, और ये क्या कहलाता है एक विनिमय साध्य प्रमाण पत्र। इसके माध्यम से जो है घरेलू बाजार अर्थात जो देशी बैंक या लोकल जहां से पूंजी प्राप्त करते हैं उसकी तुलना में इन्हें यहाँ पर सस्ता वित्त अर्थात कम ब्याज दर पर वित्त प्राप्त हो जाता है। तो यह वैश्विक निक्षेप या जमा रसीद। फिर है अमेरिकन निक्षेप या जमा रसीद। ये रसीद जो है अमेरिकन डॉलर में अंकित एक गैर अमेरिकन कंपनी के समता अंशों के स्वामित्व का एक स्वरूप होती है, अर्थात अमेरिकन निक्षेप जो है रसीद एक स्टॉक है जो अमेरिका में विनिमय साध्य है, परंतु ये विदेशी गैर अमेरिकन कंपनी के विशिष्ट संख्या के अंशों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये अमेरिकन निक्षेप या जमा रसीद। इसके बाद अंत में ऋण पत्रों से आशय एवं उसकी विशेषताओं को समझाइए, ऋण पत्रों की उपयोगिता लाभ या महत्व को समझाइए,
फिर ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, अंश या ऋण पत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए, लाभों के पुनर्निवेश से क्या आशा है स्पष्ट कीजिए, सार्वजनिक जमा या निक्षेप आशा स्पष्ट कीजिए और वैश्विक एवं अमेरिकन निक्षेप या जमा रसीद को समझाइए।